हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूँ हफ्सावारा सिद्दीकी। राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में गौ रक्षा समिति ने किया रैली का आयोजन। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गौ रक्षा समिति ने राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि गौ रक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह शामिल हुए। इसके अलावा गौ रक्षा समिति के हापुड़ जिला अध्यक्ष राहुल यादव और समाज सेवी संजय त्यागी ने रैली का आयोजन किया। गौ रक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और राम मंदिर निर्माण को लेकर हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। चौधरी योगेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। सर, जो आज रैली निकाली गई है, ये किस संबंध में रैली निकाली गई है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को राम मंदिर निर्माण में धन्यवाद रैली यात्रा निकाली गई है। उनका धन्यवाद सर्व हिंदू समाज ने आज किया है। उन्होंने सर्व हिंदू समाज का हित रखते हुए राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने इस रैली का आयोजन के माध्यम से उनका धन्यवाद व्यक्त किया। आइए जानते हैं इस मसले पर समाज सेवी संजय त्यागी ने क्या कहा। क्या नाम है आपको? संजय त्यागी। जो आज ये रैली निकाली गई है कंदू नगले से गढ़मुक्तेश्वर को होती हुई फिर यहीं पे आइए, क्या मामला है बताना चाहोगे? इसके जो हमारे पूर्व में वक्ता बता चुके हैं, और भी बहुत सारे प्रमुख कारण हैं, जैसे कि हमारी युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को अपने धर्म के बारे में जानना, उसके प्रति जागरूक होना, ताकि उनको ये पता चल सके कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे क्या थे, क्योंकि वो पूरे हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के आराध्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनके पदचिन्हों पर चलना हिंदुओं की एक विशेषता रही है। और जो नई पीढ़ी है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसको मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बारे में वंचित रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए इसका एक ये संदेश देने की कोशिश की गई है अपने क्षेत्र में, ताकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बारे में पता चल सके कि वो एक राजा भी थे, एक भगवान भी थे। इसी लक्ष्य को हमने रखते हुए ये रैली का एक आयोजन किया है। ठीक है, धन्यवाद। और भी ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।